हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है। आज 10 अगस्त 2018 और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनकी व्याख्या सहित पूरी व्याख्या मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे आपको ये फायदा होगा कि आगामी जो शिफ्ट होने जा रही है, पहली बात ये कि इन प्रश्नों के रिपीट होने के उसमें चांसेज हैं, दूसरी बात यह कि आपको टॉपिक मिल जाएगा कि किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने शामिल किया है। हालांकि ये जो मतलब कि एग्ज़ाम हो रहा है वो अलग अलग स्टेट में एक साथ चल रहा है, तो ये भी संभव है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि एक स्टेट में पूछे गए तो दूसरे स्टेट में न पूछे गए हों। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभव है कि आपको लगता हो कि ये प्रश्न पूछे नहीं गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये संभव है कि अलग अलग स्टेट में पूछे गए हों। हमें भी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो किसी स्टूडेंट ने एक भेजा है तो किसी स्टूडेंट ने दो भेजा है, तो उसको हमने एक जगह पर लिख के आपके लिए वीडियो बनाया है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये किस स्टेट का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लेवल लगभग सेम है, तो इससे आपको फायदा बहुत होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे, एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि ओलंपिक 2016 में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक था वह कौन था, तो इसका जवाब था अभिनव बिंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। KKR के मालिक कौन है, तो KKR के बारे में आपको पता ही है, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये IPL की एक टीम है और उसके मालिक कौन है, शाहरुख खान। ठीक है, जिंक 30 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा था कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर को भी आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा पीरियडिक टेबल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि खोज से संबंधित सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आनुवंशिकी के जन्मदाता को मतलब कौन है, तो इसका जवाब है ग्रिगर जॉन मेंडल। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये सवाल पूछा गया था और इसका जवाब था एफ टी बेंटिंग। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट ये बराबर होते हैं, तो इसका आंसर होता है -40 डिग्री, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया था। इसके अलावा देखिए, पूछा गया था कि जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है परासरण। ये सारे सवाल जो हैं वो फर्स्ट शिफ्ट के दौरान पूछे गए थे। अक्टूबर 2017 में किसे ब्लू प्लेनेट प्राइज दिया गया, तो ये दिया गया था हंस जोआचिम सेल्न हुबेर। ओम का नियम क्या होता है, ये सवाल था और जवाब था V=IR। RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ये होती है प्लीहा में, ये सवाल पूछा गया था। इसके अलावा जो अलग अलग खोज हुई है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। टेलीफोन की खोज किसने की थी, ये की थी ग्राहम बेल ने, तो यानी कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो खोज हुई है उससे जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। रिवाल्वर की खोज किसने की थी, ये सवाल भी था, इसका जवाब था कोल्ट। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्यतया से यही तीन जो है इसके मतलब पार्टिकल होते हैं, तो इसमें जो परमाणु संख्या होती है, सॉरी द्रव्यमान संख्या होती है ए, इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मास नंबर। और सवाल पूछा गया था नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा। और हमने भी नोबेल पुरस्कार पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जुड़ जाइएगा हमारे जो चैनल पे है टेलीग्राम वाला, तो वहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा, दोनों के ही लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला प्रोपेन, तो यहाँ पर जो मेथेन होता है और प्रोपेन होता है, तो 1 से लेकर 10 तक जो परमाणु यहाँ पर होते हैं कार्बन के, तो उसके आधार पर जो अलग अलग नेम होता है तो वो पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8। ठीक है, आई भारत 2017 कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल क्या था, ये सवाल था, इसका जवाब था नई दिल्ली। ऑक्सीडेशन में से कौन सी गैस बचाती है, ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस बचाती है, तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। नोबेल प्राइज इवेंट फरवरी 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया, और इसका आयोजन हुआ था गोवा में। ठीक है, हरिमौस शक्ति संन्याभ्यास, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट संन्याभ्यास है उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया था, आप लोगों ने शायद वॉच किया हो, नहीं किया था तो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एग्जाम देने से पहले एक बार उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। हालांकि अगर बात करें हरिमौस शक्ति सैन्याभ्यास के बारे में, तो ये जो हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ठीक है। PETA पेटा 2017 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था अनुष्का शर्मा को, ये सवाल पूछा गया था और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, उत्तर नहीं दे पाए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं और इसके अलावा जो रसिया में आपका फुटबॉल विश्व कप हुआ था, तो उसमें जो मशहूर खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, बाल दिवस भारत में मनाया जाता है 14 नवंबर को जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको आप लोग समझिएगा। CAG के डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर है राजीव महर्षि। और स्पाइस जेट के मालिक कौन है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो मालिक हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं और आपको इसको पढ़ना भी होगा। तो ये हो गया अजय सिंह और कलानिधि, दो लोग मिलके हैं स्पाइस जेट के मालिक। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। और सवाल था कि 20% को भिन्न में बदलिए, ये मैथ का सवाल था, ये बहुत ही ईजी सवाल है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसको आप सिंपली कर सकते हैं 20% को लिख सकते हैं आप 20/100 में, सिंपलीफाई कर दीजिए आ जाएगा 1/5 ही हो गया आपका फ्रैक्शन यानी कि इसका भिन्न। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना था, ठीक है, योग नहीं है ये औसत है। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रख लीजिए, इसका फार्मूला होता है n(n+1)/2n, तो n से n हो गया आपका कैंसिल, यानी कि बचा क्या है n+1/2 आपका बच गया। तो यहाँ पे 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ 50 कर दीजिए, एक जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 25.5, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट लग जाएगा। ABC की आयु क्रमशः 32 साल है, 36 साल है और 40 साल है, तो इनकी जो एवरेज मतलब आयु है, एवरेज एज आपको बतानी थी, तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो आपको तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 वर्ष, इस तरीके से निकाला जाता है औसत। और सवाल था कि राम के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 20% की कमी कर दी गई, तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आता है, मान लीजिए कोई सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है कि राम के पास 2 घड़ियां हैं, एक पर उसने 20% का लाभ कमा के बेचा, दूसरे पर उसने 20% की हानि मतलब उठाकर बेचा, तो उसको फाइनली लाभ हुआ या हानि हुआ, तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें उनको हानि ही होनी है हर हालत में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको कैसे हल कर सकते हो, मान लीजिए राम का जो मतलब कि मूल वेतन है, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, मूल वेतन मान लो 100 रुपये था, अब 20% उसका बढ़ गया तो हो गया 120 रुपये, ठीक है, फिर 20% घट गया, यानी कि 120 पे 20% घट गया, तो ये कितना घटा, 120 का 20% यानी कि 24 रुपये घट गया, तो कितना कम हुआ, अब आप देख रहे हो कि 120 में से 24 जब आप घटा दोगे तो हुआ क्या, 96 रुपये हो गया, पहले कितना था 100 रुपये था और अब हो गया 96 रुपये, यानी कि अब राम को कितना घाटा हो गया, 4 रुपये का, यानी कि 100 रुपये पर 4 रुपये का घाटा है, यानी कि 4% का राम को घाटा उठाना पड़ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे हल किया जाएगा। देखो प्रश्नों का जो स्तर है बहुत ही सामान्य है, बहुत ही आसान है, तो आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। 2 नल किसी टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी को कितनी देर में भर देंगे, ये सवाल पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 12 घंटे पहला नल भरता है तो 1 घंटे का काम हो जाएगा उसका 1/12, दूसरा नल भरता है 15 घंटे में तो उसका 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/15। अब दोनों नल को अगर आप लोग एक साथ खोल देते हो तो 1/12 भाग और 1/15 भाग ये साथ साथ भरेंगे, तो इसका आप एलसीएम ले लोगे तो आपको मिलेगा कितना, 60, ठीक है, यानी कि 1/12 हो गया यहाँ पे, 1/12 पहला नल और 1/15 दूसरा नल, इसका एलसीएम आपने ले लिया 60। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा कितना, 9/60, तो ये 1 घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग है, पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो आप क्या करेंगे, 9/60 को आप 1 से भाग दे देंगे, भागे 1, और मैथ के अनुसार इसको क्या करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा 60/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 20/3, यानी कि 20/3 घंटे में आपकी जो टंकी है पूरी भर जाएगी अगर दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो। तो ये हो गए फर्स्ट शिफ्ट के सवाल, अब सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो हमें मिले हैं उसको भी देख लीजिए। अर्थशास्त्र
से संबंधित सवाल पूछा गया था। नोबेल पुरस्कार 2017 तो सर अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था, तो इसका जवाब था रिचर्ड थेलर। हॉलैंड की राजधानी पूछा गया था, तो देखिए एक चीज़ और याद रखिए, हॉलैंड नाम का कोई देश कंट्री में नहीं, दुनिया में नहीं है, बल्कि नीदरलैंड है। और कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीदरलैंड ही हॉलैंड है, हॉलैंड ही नीदरलैंड है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि हॉलैंड नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है, और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, एम्स्टर्डम, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, एम्स्टर्डम है राजधानी, ठीक है, नीदरलैंड की। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें पूछा गया था बीसीजी में सी किसके लिए स्टैंड करता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए, बेसिलस क्लेमेटी ग्यूरिन, तो सी स्टैंड कर रहा है आपके लिए कलमेटी के लिए, ठीक है, कलमेटी के लिए यहाँ पे सी स्टैंड कर रहा है। फुल फॉर्म पूछे गए थे ईईजी और ईसीजी का, तो ईसीजी का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है ईईजी का, तो ये दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो, तो परिधि की परिभाषा क्या होती है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, और यहाँ पे 2πr पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई थी 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22×2=44 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी परिधि। परिधि क्या होती है, जिसे ये वृत्त हो गया ना, तो एक धागा आप यहाँ पे रख दो, यहाँ से फैलाते हो यहाँ तक ले जाओ, फिर यहाँ पे ले जाओ, और धागे को ओपन करके नाप लो, ये पूरी लंबाई होती है, ये परिधि कही जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने, आगरा में है ये, सवाल पूछा गया था। और एक सवाल और था कि नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है उसमें किस चीज़ का कोट किया जाता है, तो आपने देखा होगा अगर बर्तन के बारे में आपने ध्यान से पढ़ा होगा कभी, तो लिखा रहता है उस पर टेफ्लान कोटेड, ठीक है, तो टेफ्लान का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर यानी कि धारिता का मात्रक क्या होता है, ये होता है फैरेड, तो जो यूनिट है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, अलग अलग जो संख्याएं होती हैं और जो उसके लिए यूनिट होता है वो चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाटो का फुल फॉर्म पूछा गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 1949 में। DTO किस कार्य में आता है, DTO को कहते हैं आप हैवी वाटर यानी कि भारी जल, और ये जो एटॉमिक रिएक्शन होता है उसको स्लो करने के काम में आता है, ठीक है। गोवा का CM यानी कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं उनके जो CM हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, ये सवाल पूछे गए हैं। और एक बात और है, मैं आपको सारे CM की लिस्ट इसके बाद दे रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख के ही जाना आप लोग, ठीक है। जन्म के समय मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि एक बच्चे इन्फेंट के बॉडी में जब वो जन्म लेता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270, आगे चल के ये हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हो जाती हैं हड्डियाँ कितनी, 206। वॉयस की पिच किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। डीएनए किस चीज़ से बनता है, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से, ये सवाल पूछा गया था। विटामिन ए का संग्रह कहाँ पर होता है, तो इसका संग्रह होता है लीवर में। अब देखिए विटामिन जुड़े हुए जो अलग अलग सवाल है उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो सरल लग रहे हैं लेकिन सरल हैं नहीं इतने, ठीक है, और एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है तो टाइम और होता है, 1 घंटे का जो है वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, ये भी जान लीजिए आप, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, 1 घंटे में आपको 75 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, माइनस मार्किंग भी है, 1/3 माइनस मार्किंग वहाँ पे हो रही है, यानी गलत जवाब देने पे आपको 0.33 माइनस मार्क के रूप में पेनाल्टी दी जाती है। तो फ्रेंड्स बाकी के जो क्वेश्चन है यानी शिफ्ट 3 के वो आपको मिलेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद, और जब हमें प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे तो अब हम उसकी व्याख्या आपको दे देंगे, ठीक है। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, और आपको जो भी प्रश्न प्राप्त होते हैं आप भेजिएगा जरूर, ठीक है, और संभव होगा तो नीचे अपना नाम और आप किस शहर से भेज रहे हैं उसको लिख देंगे, थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट से जुड़ा हुआ सवाल है और किस स्टेट में कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसको अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।